चैलेंज है आप लोगों का कि यहां जो 6 लड़के खड़े हैं पहले टीम बना लो दो दो की। आपने अपना चैलेंज आप गौर से समझना है, डेयर के साथ साथ हिम्मत दिखाने के साथ साथ दिमाग भी चलना चाहिए। इनके चैलेंज का पहला हिस्सा लेकर आ जाए। करना ये आप लोगों ने कि इन क्यू कार्ड्स पे हिसाब किताब की कुछ चीज़ें लिखी हुई मैथ्स, आपको सॉल्व करना है उसे। पढ़े लिखे तो हो ना सारे? जी सर। या जाहिल आ गए? नो सर, पढ़े। लेकिन सॉल्व करेंगे कैसे? आप में से एक लड़का ज़मीन पे लेटेगा, दूसरा लड़का उसकी टांगे बांध कर कंधे पे यहाँ रखेगा, आप उसे खींचते हुए लेके जाएंगे वहाँ तक। रास्ते में आपको ये क्यू कार्ड मिलेंगे, 6 क्यू कार्ड होंगे, वहाँ तक बस जाना है, वापस नहीं आना। आपने सॉल्व किया, नहीं समझ आ रही तो अपने पार्टनर से पूछा, पार्टनर भी मुड़ेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। पार्टनर सुनेगा सुनेगा, और अगर उसको आता होगा जवाब तो वो बता देगा। घर में जो रास्ते में क्यू कार्ड पड़े हैं एक सॉल्व करने के बाद उधर ही रखना है या साथ? नहीं, साथ रखना है अपने। इतना हिम्मत वाला कौन है जो कहे कि पहले ये चैलेंज मैं करूंगा? अल्ताफ, अब आप जिस पोजीशन में, आप इस तरह वापस नहीं मुड़ेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा। आपने जाके दरख्त को हाथ लगाना है। दरख्त को हाथ लगने का मतलब क्या है कि गेम खत्म। आपने पहले इससे पूछना है कि मैं खत्म कर दूं गेम या नहीं करूं, क्या पता उसने क्यू कार्ड पे आंसर ना लिखा हो। एक दूसरे को एडवाइस तो दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मुड़ना नहीं है। जितनी दफा मुड़ेंगे वो काउंट होगा। इसने ऊंची आवाज में चीख के बोला ये लिखा हुआ है, इसका जवाब बताओ, तो तुम बता सकते हो। रुक के सीधा ही रखना अपना मुंह, बस खींच ले बस। 6 क्यू कार्ड कम से कम टाइम में खत्म करना है। एंड गो। एक मिनट कार्ड मैंने फेंक दिए। कार्ड फेंकना नहीं है, कार्ड साथ रखने हैं। सीधे हाथ पे है, कार्ड आ रहा है। उठा लिया? हाँ उठा लिया। हाँ उल्टे बिहार है। 9 साल क्या है? हाँ 9-7 बोल। 9 और 7? हाँ 9-7-16। इरफान। जी सर। आसान था मुश्किल? सर मुश्किल था, कुछ जगह भी ऐसी ही है। अल्ताफ। जी सर। आसान तैसे खींचना? जोर इतना लगता था कि उंगलियों का खून ही बिल्कुल रुक जाता था, तो आगे फिर खींचा बहुत मुश्किल बना। जितना आगे जाओ इतना मुश्किल बनता जा रहा। देखने में तो आसान लग रहा है, करने में जो आएगा उनको पता लगेगा।